दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो उसका कैसे EMI आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। कंप्लीट जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित यादव, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मूव में। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कैसे आप लोग को पे करना है अपनी EMI। देखिए, अगर आप लोग SBI क्रेडिट कार्ड से कोई भी प्रोडक्ट परचेज किए हैं तो उसका EMI आप लोगों को कैसे पेमेंट करना है। देखिए, सबसे पहले तो हम SBI का जो एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये एप्लीकेशन है, ठीक है। इस एप्लीकेशन पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस होगा। देखिए यहाँ पे हम फिंगरप्रिंट सेंसर से अपना लॉगिन होने का इनेबल कर रखे हैं तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, देखिए यहाँ फिंगरप्रिंट हमारा ऑन, सिंपल सा इसमें इस पर हम अपना फिंगरप्रिंट सेंसर से अनलॉक कर लेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लॉगिन हो गए। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पे नाउ पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, प्रोसीड पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब देखिए आपका यहाँ पे EMAIL ID मोबाइल नंबर से होगा। नीचे स्क्रॉल करके चलेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल ड्यू, मिनिमम ड्यूज, यहाँ पे अदर अमाउंट। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हम टोटल ड्यू, यहाँ पे EMI तो हमारे 2968 रुपये, लेकिन टोटल ड्यू जो है 3029 रुपये है, तो हम इसको सिलेक्ट रहने देंगे। और यहाँ पे हम क्या देखिए आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से करना चाहते थे, इसको यहाँ पे क्लिक करके अपना डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे कौन सा डेबिट कार्ड है, ठीक है। तो हम बैक चलते हैं। यहाँ UPI अगर गूगल पे फोन पे एप्लीकेशन से करना चाहते हैं सिंपल सा UPI आप सेलेक्ट करेंगे, तो हम UPI से करने वाले हैं तो सिंपल सा हम इसको सेलेक्ट करेंगे और पे नाउ पे हम सिंपल सा क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस होगा। इंटर UPI ID, VPN पिन यहाँ पे कह रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे UPI ID आपका जो भी हो वो यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। ये कहाँ मिलेगा अगर फोन पे चलाते हैं, चलिए हम फोन पे का भी बता दे रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो सभी एप्लीकेशन का बता देंगे। देखिए यहाँ पे हम फोन पे एप्लीकेशन का बता देते हैं कहाँ पे UPI ID रहता है। सिंपल सा ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना होगा। यहाँ प्रोफाइल आ जाएगा, नीचे स्क्रॉल करके चलेंगे तो यहाँ पे QR कोड रहेगा, सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको नीचे मिल जाएगा UPI IDs। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यही हमारा UPI ID है, इसी को हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। देखिए यहाँ पे नाम आ गए, यहाँ पे इसको हम फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फिलअप कर लिया, अब हम क्या करेंगे मेक पेमेंट पे सिंपल सा क्लिक करेंगे। जैसे पे का ऑप्शन आ गया, देखिए यहाँ ऊपर से आ गया पे का ऑप्शन, सिंपल सा हम इस पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए 3029 रुपये है, इसी को पेमेंट करेंगे, बैटरी डिस्चार्ज है। यहाँ पे देखिए पे पे हम सिंपल सा क्लिक करेंगे। जैसे हम पे पे क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस होगा। देखिए यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे जो भी आप अकाउंट हैं, अगर मल्टीपल अकाउंट यहाँ पे ऐड कर रखे रहेंगे तो शो होगा, वो अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसके जिस बैंक से अपना पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारा SBI का है तो इसी अकाउंट से हम पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे पे हम सिंपल सा क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे जो भी आपका पिन होगा, यहाँ पे आपको पिन अपना फिलअप कर लेना है। देखिए यहाँ पे हम पिन फिलअप कर लिए, अब हम क्या करेंगे, ये डन का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस होगा। देखिए यहाँ पे पेमेंट हो गया है, थोड़ी देर तक इंतजार करते हैं, यहाँ पे रिमाइंड लेटर हम कर देते हैं, यहाँ पे डन पे हम सिंपल सा क्लिक कर देंगे। जैसे हम डन पे क्लिक कर देंगे देखिए यहाँ से तो पेमेंट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम बैक चलते हैं, यहाँ इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोसीड हो रहा है, देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली पेमेंट ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेस हो गया। नीचे स्क्रॉल करके चलेंगे, देखिए यहाँ पे रिसीव भी हो गया क्रेडिट कार्ड में, तो यहाँ पे हो गया है। अब हम नीचे स्क्रॉल करके चलेंगे और यहाँ पे देखिए क्लोज का ऑप्शन है, सिंपल सा हम क्लोज पे क्लिक कर देंगे या हम यहाँ से बैक भी, यहाँ पे एग्जिस्ट का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे एग्जिस्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे, इस वाले ऑप्शन पे देखिए हम इस पर क्लिक कर दिए। यहाँ पे पेमेंट हो चुका है, देखिए यहाँ पे लास्ट पेमेंट डिटेल जो है 3029 रुपये पेमेंट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दिखला रहा है कि 11,977 रुपये और पेमेंट करना है, 2022 रुपये यहाँ पे क्रेडिट लिमिट है। तो इसी तरीके से आप लोग को अपना EMI पेमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब के लिए बाय बाय।